राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी पेंशन बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कश्मीर पंडित भी देश का हिस्सा है। कांग्रेस मांग करती है कि दोबारा से कश्मीरी पंडितों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराकर उचित सम्मान दिया जाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लूट में छूट के समझौते के तहत हरियाणा में भाजपा और जेजेपी का गठबंधन हुआ और उसके बाद प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार और लूट मचाई जा रही है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात कहने वाले आज बुढ़ापा पेंशन को कटवाने में लगे हुए हैं। शराब माफिया जोरों पर पनप रहे हैं। उनको भी श्रद्धांजलि दिवस आज शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, आज उन्होंने जो है फांसी चूमी, अपना जो है फंदा चूम के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेते हुए, और खास तौर पे क्योंकि हमारा एक पारिवारिक संबंध, बहुत व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा, उनके जो चाचा थे सरदार अजीत सिंह जी, जो बहुत सक्रिय थे देश की आज़ादी के आंदोलन में, शहीद भगत सिंह जी के जो रियल चाचा जी थे, वो उनको। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बजट भी अजीबोगरीब तरीके से पेश किया गया है जिसमें आम नागरिकों के लिए कुछ खास नहीं है। पहले के मुकाबले कर्जा बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार विधानसभा में अपनी जुबान से फिसलते नजर आते हैं, कभी फरसे वाले बयान पर तो कभी किसी विधायक को नमूना कहने पर वो गुरेज नहीं करते, लेकिन उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां तक कांग्रेस के संगठन की बात है तो ये बात केवल कांग्रेस के आला कमान के समक्ष ही रखी जाती है, अभी सार्वजनिक रूप से कुछ भी बोलना उचित नहीं है।